ये जो कस्बा है ये पड़ जाएगा आपको, पानीखर पड़ जाता है 60-70 किलोमीटर। उसके बाद 50 किलोमीटर के लगभग आपको रंगदुम पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। रास्ते के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो रास्ता है वो बिल्कुल ऑफ रोड है। पानीखर के बाद, पानीखर पे मैंने वीडियो बना दी थी, वो आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट एपिसोड जांस्कर वाला, अब सेकंड एपिसोड है ये। कल हम इस कस्बे को देखेंगे। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। आपको इनके घरों के ऊपर बुद्धिस्ट फ्लैग्स, मंत्र लिखे हुए आम दिख जाएंगे आप लोग आओगे, क्योंकि जब आप पीछे से पानीघर से आगे आओगे तो एक पास आता है, वहाँ पर एक स्तूपा बना हुआ है, उसके बाद का जो इलाका है वो बुद्धिस्ट आ जाता है, उससे पीछे का जो इलाका है वो मुस्लिम है। यहाँ के जो लोग हैं, आबादी है यहाँ की, वो बुद्धिस्ट है। आसपास यहाँ पे जगह पे काम करने वाले जो लोग हैं वो श्रीनगर से हैं, कश्मीर से और जम्मू से हैं। जो रोड बना रहे हैं वो लोग बिहार से हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि एक सरकारी जो है वो गेस्ट हाउस है लद्दाख टूरिज़्म का, आप लोग यहाँ पर आकर रह सकते हो। आपको 500 या 600 रुपये पे करने पड़ेंगे तो आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप प्राइवेट करोगे, एक दो गेस्ट हाउस है यहाँ पर, तो 1000 रुपये पर पर्सन है। वो आपको बीच में खाना भी देंगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो कीजिए, नहीं तो ये सरकारी बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है। आप पीछे से आइए और यहाँ रहिए। खूबसूरत रिवर, सुरु रिवर, ये ऊपर ग्लेशियर से आती है और आगे पूरी वैली में जाती है कारगिल तक, और कारगिल से आगे सिंध में मिल जाती है ये रिवर। ये जो पीछे पहाड़ियां हैं जिनमें से ये रिवर जा रही है, इस रेंज को नून की पहाड़ियां, पारा काकिला की पहाड़ियां और जांस्कर की पहाड़ियां कहा जाता है। ये एरिया बिल्कुल अनटच है क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ पर। रोड जो है बना नहीं है, अभी बन रहा है और ऑफ रोड है, तो आप लोग अभी यहाँ आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटी है इधर। रिवर देख लीजिए, पीछे रिवर ही दिखानी थी मैंने, पीछे जो जानवर हैं वो अपना चारा चर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ इस गांव से जो पीछे का व्यू है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुबह सुबह यहाँ पर आकर नदी के किनारे बैठकर। मैं और प्रतीप पाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं पंजाबी में बोलूँगा। पाजी किमें लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा जी। हाँ, तो किमें लग रहा आसपास पहाड़ियाँ नदी है ना, ते आप सवेरे सवेरे इतने आ गए सी, इतने बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं इस चार गाह च। पूरा मेडिटेशन वाला माहौल है, पूरा शांति है। अच्छा। ना ची ना चू बस। हाँ, तो ये बहुत मतलब भाजी दलेर ने है ना, रात असी रूम लभे इतने आस पास गए, मीह पै रहा सी, तो बहुत हेल्पफुल ने, बहुत हेल्प करते हैं है ना, तो असी बैठे सी इतने ग्राउंड च मज़े नाल बैठे हैं, तो पूरा आनंद माण रहे सी। गांव में जगह जगह आपको सोलर प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजली जो है वो इन्हीं के थ्रू आती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं सोलर ऊर्जा के, इन गांव वालों को बिजली यहीं से जाती है और आसपास के गांव को भी। ये पीछे देख लीजिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो इस गांव के घर हैं उनकी संख्या होगी 50 या 60। पहले जब आप एंटर होते हो गांव में तो ये घर आते हैं, उसके बाद एक पहाड़ी पर मोनेस्ट्री है
हम लोग उस मोनेस्ट्री पर भी जाएंगे, मोनेस्ट्री को देखेंगे जाकर, बिल्कुल नदी के किनारे है वो मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में आने के लिए पैदल चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा रास्ता है, व्हीकल भी आ जाता है थोड़ी सी ऊपर तक, उसके बाद आप पैदल आ सकते हैं इस मोनेस्ट्री में। अभी हम अंदर जाएंगे, पता करते हैं किस सेक्ट की ये मोनेस्ट्री है और कितनी पुरानी है ये मोनेस्ट्री। अंदर आ गए, एंटर हो चुके हैं मोनेस्ट्री में। यही है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो दलाई लामा की फ़ोटो पड़ी हुई है, और उसके पीछे वाले रूम में जाएंगे तो वहाँ पर मेडिसिन बुद्धा का स्टैचू है। मेडिसिन बुद्धा इनकी बीमारियों से रक्षा करता है। आप यहाँ पर पद्मासंभव का स्टैचू देख सकते हैं। पद्मासंभव वो हैं जिन्होंने लद्दाख में, तिब्बत में बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार किया था। यहाँ पर जब आप दीवारों पे देखते हैं तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और वो पेंटिंग्स जो हैं वो नेचुरल कलर से बनी हुई हैं, जड़ी बूटियों के कलर से, बहुत ही खूबसूरत हैं। मोनेस्ट्री अंदर से बहुत सुंदर है। और बात बताऊँ एक कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी के अलावा यहाँ एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं। अच्छा, तो मोनेस्ट्री में मेरे साथ हैं दोरजे जी, लामा हैं यहाँ पे। सर ये बताइए कि ये मोनेस्ट्री कितनी पुरानी है और किस स्कूल की ये मोनेस्ट्री, किस सेक्ट की ये मोनेस्ट्री है? ये जो है वो 500 साल का पुरानी, 500 साल पुरानी है ये मंदिर जो बनाया हुआ। अभी जो है ना वो दलाई लामा जी का भाई वो उंगर रिम्पोछे तेंजिन चोयल, उसने अभी जो है उसका 8वां जन्म में बनाया है नवा। यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी होता है? फेस्टिवल होता है। कब? ओ कल परसों भी हुआ, वो बुद्ध पूर्णिमा होता है।